Today I am going to start biotechnology and its applications. Okay? So पहला हम देख लेते हैं कि biotechnology को हम कहाँ कहाँ पे use करते हैं. Number one, therapeutics के लिए हम biotechnology को use करते हैं. Number two, diagnostics के लिए हम biotechnology को use करते हैं. Diagnostics मतलब different medical test, जो medical में test होता है, test वगैरह होता है, उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है. नंबर थ्री, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, जैसा कि बीटी कॉटन. ओके. नंबर फोर, प्रोसेस्ड फूड. ओके. नंबर फिफ्थ, बायो रिमेडिएशंस. ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बायो रिमेडिएशंस. इसका मीनिंग है ब्रेकिंग डाउन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, मतलब हमारा आसपास में इन्वायरमेंट में जो भी हार्मफुल एजेंट है उसे ख़त्म करना. ओके. उसके बाद सिक्स, वेस्ट ट्रीटमेंट, जो गंदगी है वो सब सफाई करने में भी बायोटेक्नोलॉजी हमें मदद करती है. नंबर सेवन, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में भी हमें हेल्प करते हैं. ठीक है. थ्री, क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब अभी तक बायोटेक्नोलॉजी तीन ऐसे फील्ड में काम कर रहा है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है. नंबर वन, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली ए माइक्रोब और प्योर एंजाइम. यहाँ पे जो कैटलिस्ट वर्ड को यूज़ किया गया है इसका सिंपली मीनिंग है वेक्टर. अब वेक्टर क्या होता है, मानो एक जगह से तुम्हें दूसरे जगह तक जाना है तो तुम किसी ना किसी कार के थ्रू या फिर किसी ऐसा चीज़ के थ्रू तुम एक जगह से दूसरे जगह तक मूव ऑन करोगे. तो जो चीज़ तुम्हें कैरी ऑन कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहा है उसे ही हम वेक्टर बोलते हैं. बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे, अगर जेनेटिक मटेरियल को हम एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के पास भेजना है तो उसे किसी ना किसी के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना होगा, मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर भेजना होगा. तो जो ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी ऑन करेगा उसे ही हम यहाँ पे कैटलिस्ट बोल रहा हूँ. तो कैटलिस्ट का सिंपली मीनिंग है वेक्टर. ओके. नंबर टू, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियर्ड फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट, मतलब ये कैटलिस्ट, ये वेक्टर को अच्छे से काम करने के लिए इसे हम अच्छा स्वीट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी ही एक वेक्टर जाके अच्छे से उनका फंक्शन शो कर पाएगा. सिंपली इसका मीनिंग ये था. नंबर थ्री, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब एक वेक्टर के थ्रू एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर चुके हो. अब तुम्हारा जो पर्पस है, मतलब वो वेक्टर से कि मान लो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, अगर वो मान लो एक जेनेटिक मटेरियल को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर भेजने के बाद वो इंडिविजुअल ने तुम्हें इंसुलिन प्रोड्यूस करके दिया है, अब उसे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, मतलब उसका प्यूरिफिकेशन, उसका जो जो बाजार तक बेचने के लिए उनके साथ जो चीज करना पड़ेगा पहले, उसे हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं. ओके. एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी को हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करते हैं. डिफरेंट एग्रीकल्चर फॉर्म्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, मतलब फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट तरफ की एग्रीकल्चर मतलब फॉर्म हुआ है. इनमें से है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, नाम में ही पता चल रहा है कि इसमें हम किसी ना किसी केमिकल को यूज़ कर रहा है कि ताकि हमारा फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज हो जाए. और नंबर टू, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यहाँ पे हम किसी तरफ की केमिकल को यूज़ नहीं करता हूँ. यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स, मतलब यहाँ पे हम नेचुरली खेती कर रहा हूँ. ठीक है, इसमें कोई ऐसा मतलब इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को हम यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा है. नंबर थ्री, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, इसमें हम जेनेटिक इंजीनियर को इंड्यूस कर रहा हूँ ताकि हमारा फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज हो जाए. ये तीन तरफ से हम हमारा फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. ओके. ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, आपको पता ही होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन किया है. ये एक एग्रीकल्चर के साथ में जुड़ा हुआ एक टर्म है, ग्रीन रेवोल्यूशन. इसमें मतलब बहुत सारा
प्लांट आउटपुट को इंक्रीज किया गया था एक रिवोल्यूशन के थ्रू, ओके, इसे हम ग्रीन रिवोल्यूशन नाम दिए थे। तो ये रिवोल्यूशन से क्या हुआ, ट्रिपलेट फूड सप्लाई बट स्टिल नॉट इनफ टू फीड ग्रोइंग पॉपुलेशन, इसके द्वारा थ्री टाइम्स इंक्रीज हुआ था फूड प्रोडक्शन को ये रिवोल्यूशन के बाद। दो, इसके थ्रू बहुत सारा मतलब फूड प्रोडक्शन हुआ था बट इनफ नहीं था हमारा ये ग्रोइंग पॉपुलेशन को फिट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू फूड प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज हुआ और क्यों इंक्रीज हुआ। इसमें इंक्रीज हुआ क्योंकि उस टाइम हम इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़ को इंड्यूस किया था, मतलब नए प्रजाति की प्लांट को हम प्रोड्यूस किया था, इसीलिए ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा जो यील्ड हुआ था वो इंक्रीज हुआ था। नंबर टू, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, उस टाइम हम अपना एग्रीकल्चर फील्ड को अच्छे से मैनेज करना सीख गए थे। नंबर थ्री, एग्रोकेमिकल्स, मतलब वो खेती वगैरह में हम केमिकल्स को यूज़ किया करते थे, इसीलिए वो ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम बहुत सारा यील्ड इंक्रीज हुआ था। लेकिन इस टाइम में हम एग्रोकेमिकल्स को यूज़ करते थे इसीलिए दो प्रॉब्लम हुआ था। नंबर वन, एक्सपेंसिव था एग्रोकेमिकल, जो नॉर्मल जो किसान वगैरह होता है उनके लिए एक्सपेंसिव था वो मेडिसिन को ख़रीदने के लिए, ठीक है। नंबर टू, ये हमारा इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा था, ये दो प्रॉब्लम हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम। दो, ये रिवोल्यूशन के टाइम बहुत सारा हमारा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था लेकिन इसमें कुछ भी ड्रॉबैक थे। वो ड्रॉबैक वगैरह था कि इसमें एग्रोकेमिकल्स को यूज़ किया गया था मेनली, ओके। अब हम देखेंगे GMO, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है विद ऑल्टर्ड जीन्स, ओके। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस है, मतलब ये जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करने के बाद हमें क्या क्या मिलते हैं और क्या फ़ायदा है वो देख लेते हैं। नंबर वन, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब इन्वायरमेंट में जो जो एबायोटिक स्ट्रेस आता है किसी प्लांट के ऊपर, जैसा कि कोल्ड से प्लांट को ख़राब पहुँचता है, उसमें सॉल्टी होने से भी प्लांट को कभी कभी नुकसान पहुँचता है, ड्रॉप होता है, हीट होता है, ये सब वगैरह में प्लांट में इफ़ेक्ट करते हैं, ये सब एक्सटर्नल चीज़ें प्लांट को हार्म कर सकता है। तो इसे हम रोकने के लिए GM को यूज़ कर सकते हैं, GM मतलब जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। नंबर टू, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, मतलब हमारा डिपेंडेंट केमिकल के ऊपर बहुत बढ़ गए थे खेती वगैरह करने के लिए, तो इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू GMO, ओके। नंबर थ्री, इन्हेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, ओके, हम हमारा फूड में न्यूट्रिशंस को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसा कि एक बेस्ट एग्जांपल है गोल्डन राइस। ये गोल्डन राइस, इसका नाम में ही पता चल रहा है कि गोल्ड कलर का होगा, इसमें क्या होता है विटामिन ए बहुत सारा रिच होता है, ओके। नंबर और एक देखते हैं, इफिशेंसी ऑफ मिनरल्स यूजेस बाय प्लांट्स, मतलब एक प्लांट अपना सॉइल से बहुत सारा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अगर ये GM को हम यूज़ करते हैं तो उतना मतलब यूज़ नहीं होगा और मिनरल्स वगैरह को हम किसी और चीज़ में भी काम में लगा सकते हैं, ठीक है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब हम खेती वगैरह करने के बाद जो जो शीश रह जाते हैं उसे भी हम कम कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए जो हेडेक वाला टॉपिक होता है वो हम अभी देख लेते हैं, जो कि है बीटी टॉक्सिन। ये बीटी टॉक्सिन क्या होता है, प्रोड्यूस बाय बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के नाम है बेसिलस से भी को लिया गया है और थ्यूरिनजेनेसिस से टी को लिया गया है और इससे बना है बीटी टॉक्सिन, ठीक है। तो ये बीटी टॉक्सिन एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, और ये क्या करते हैं इंसेक्ट वगैरह को किल करते हैं। और हम जानते हैं कि प्लांट में बहुत सारा इंसेक्ट के इफेक्ट पड़ता है, तो
प्लांट को अगर हम ये इंसेक्ट से इफेक्ट को बचाना है तो इसीलिए हम ये बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, और ये बैक्टीरिया को हम प्लांट में इंड्यूस कर देते हैं, मतलब प्लांट के अंदर डाल देते हैं, और वो प्लांट तब इंसेक्ट वगैरह को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, अब ये सभी मैकेनिज्म हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो पहले हम बेसिलस थ्यूरिंजिनेसिस जो बैक्टीरिया है उसे सेलेक्ट करते हैं, और उसके अंदर जो जीन है जो इंसेक्ट को किल करता है वो जीन को सिलेक्ट कर लेते, और वो जीन को हम वेक्टर में इंड्यूस करते हैं, और वो वेक्टर को जब हम प्लांट में डाल दूंगा तो तब वो प्लांट क्या होगा, प्लांट्स इटसेल्फ प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन एंड आर नाउ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स, और वो इंसेक्ट के लिए खुद काम कर सकते हैं, मतलब इंसेक्ट को खुद ही मार सकते, और इसे हम बोलते हैं बायो पेस्टिसाइड। ओके, बेसिलस थ्यूरिंजिनेसिस को यूज़ करके हम बहुत सारा प्लांट को अब तक ग्रो कर चुका हूँ, उनमें से है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, ये सब हम जेनेटिकली मॉडिफाई के थ्रू ही ये सब प्लांट को हम प्रोड्यूस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बीटी टॉक्सिन ये किस किस ग्रुप के इंसेक्ट को किल करता है। वो पहला किल करता है लेपिडोप्टेरांस, डिप्टेरांस एंड कोलियोप्टेरांस, ये तीन तरफ का इंसेक्ट को ये किल कर सकते हैं। लेपिडोप्टेरांस के एग्जांपल है वर्म, आर्मी वर्म, और डिप्टेरांस के एग्जांपल है फ्लाइज एंड मॉस्किटो, और कोलियोप्टेरांस के एग्जांपल है बीटल्स। ओके, तो इसे हम ट्रिक्स के थ्रू और निमोनिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं। उसका सिंपली ट्रिक्स और निमोनिक्स है कोल्ड, मतलब जो ठंडा होता है, COLD, सी मीन्स कोलियोप्टेरांस, एल मीन्स लिपिडोप्टेरांस एंड डी मीन्स डिप्टेरांस। ओके, आप देखते हैं कि ये बैक्टीरिया कैसे मतलब प्लांट को इंसेक्ट के अटैक से बचाता है वो देख लेते हैं। पहला, बेसिलस थ्यूरिंजिनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन, मतलब बेसिलस थ्यूरिंजिनेसिस एक तरफ का प्रोटीन जो प्रोटीन क्रिस्टल टाइप का होता है ड्यूरिंग देयर ग्रोथ इन ए पार्टिकुलर फेस। ये बैक्टीरिया के ग्रोथ के टाइम एक पार्टिकुलर फेस में क्रिस्टल टाइप की प्रोटीन को ये प्रोड्यूस करता है, और प्रोटीन क्रिस्टल हैज टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, और ये क्रिस्टल प्रोटीन में इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन मतलब इंसेक्ट को मार सके ऐसा प्रोटीन होता है जो कि बीटी टॉक्सिन होता है। ठीक है, और ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन रहता है, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव रहता है, हेंस वो बैक्टीरिया को किल नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जब ये इंसेक्ट वगैरह उसे खा लेता है, इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट, जब इंसेक्ट ने उसे खा लेता है तब क्या होता है, रिस गार्ड विथ एल्कलाइन pH व्हिच कन्वर्ट इट इनटू एन एक्टिव फॉर्म, मतलब जब वो प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर रहता है, बैक्टीरिया के अंदर वो प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जब उसे किसी इंसेक्ट वगैरह खा लेता है तब उनके अंदर जाके एल्कलाइन pH का जो एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन pH होता है, और उसमें जाके वो एक्टिव फॉर्म में एक्टिव हो जाता है। एक्टिवेट टॉक्सिन बाइंड्स टू इपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगार्ड, और वो जो इंसेक्ट के अंदर मिडगार्ड होता है वो मिडगार्ड के अंदर इपिथेलियल सेल्स में जाके वो चिपक जाता है। ओके, क्रिएट्स स्पोर इन सेल, और इसके लिए वो इंसेक्ट के अंदर जो सेल वगैरह रहता है उसमें क्या होता है, पोर बनते हैं, पोर मतलब सेत बनना, और उसके बाद वो सेल में स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग मतलब फूलना। ओके, और उसके बाद सेल लाइसिस होता है, जे डायरेक्टली उस सेल के अंदर जब पानी वगैरह जाएगा तो वो सेल लाइसिस होने लगेगा, मतलब टूट जाएगा, और इससे ही इंसेक्ट को किल्ड हो जाता है। ओके, इसका मैकेनिज्म यही था। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन किल्स इंसेक्ट, स्पेसिफिक इंसेक्ट को किल करते हैं, मतलब स्पेसिफिक बीटी जीन ने स्पेसिफिक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और वो स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही किल्स कर सकता है। ओके, चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेट पेस्ट, मतलब जो जीन हम यूज़ कर रहा है उसका क्रॉप
के ऊपर डिपेंड करेगा, और उसमें जो टारगेट पेस्ट होता है मतलब टारगेट जो इंसेक्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बीटी जीन्स आर कॉल्ड क्राई जीन्स। बीटी जीन्स को हम क्राई जीन्स भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई बीटी जीन्स को हम क्राई जीन्स क्यों बोलते हैं। देखो क्राई जो वर्ड आया हुआ है वो क्रिस्टल से आया हुआ है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है वो एक तरफ का क्रिस्टल प्रोटीन होता है। ओके, क्रिस्टल प्रोटीन से ही हमारा क्राई जीन्स नाम आया हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ क्राई जीन्स यहाँ पे क्राई ए सी एंड क्राई टू ए बी जो कि कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म को, और क्राई वन एंड ए बी जो है वो कंट्रोल करता है कॉर्न बर्नर को। कॉर्न मतलब जो सच्चे वगैरह को खाते हैं उसे हम कॉर्न बॉरवर बोलते हैं। ओके, कॉर्न बोरियर। तक मैं एनसीईआरटी के हर एक लाइन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ अब तक जितने भी पढ़ाया हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आरएनए इंटरफेरेंस को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो अभी के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे, कीप स्टडिंग। ओके, ऑल द बेस्ट।